हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। और दोस्तों, कल हमने जो पेस्टिसाइड घर का बनाया हुआ ऑर्गेनिक छिड़काव किया था, तो आज देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ने जो कल पेस्टिसाइड छिड़का था, तो ये देखिए ये सारे कीड़े जो है अब मर चुके हैं। और ये सिकुड़ के बेचारे छोटे एकदम छोटे छोटे से हो गए हैं। आप ज़रा सा हाथ लगाएंगे तो ये सब झड़ जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरह से। तो ये देखिए, इसमें भी देखिए ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इसमें भी देखिए, ये झाड़ेंगे तो ये देखिए हाथ में छोटे छोटे गिरेंगे। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में ये लकड़ी। ये देखिए, ये छोटे छोटे से जो हमारे काले रंग के पेस्टिसाइड थे, वो अब सब जो है मर चुके हैं। ये देखिए, तो ये सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं रात भर में। ये देखिए, सब मर चुके हैं। अगर ये जिंदा होते तो इनको हम लोग अगर इस तरह से पुश करके दबाते तो ये इस तरह से इसके अंदर से पानी जैसा निकलता, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख चुके हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, मैंने कहा कि आपको फाइनल रिज़ल्ट भी बता दूं भाई, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं जो गार्डन में अपने यूज़ करती हूं पेस्टिसाइड, वही यूज़ करती हूं। और ये भी बात बता देती हूं आपको, इसको अभी हम शावरिंग कर देंगे, ठीक है। और शावरिंग करने के बाद शाम के टाइम अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं छूट गया है, तो फिर से आप इसके ऊपर वही जो मैंने पेस्टिसाइड बनाया था उसका छिड़काव कर दीजिए। और शाम के टाइम करिए, दोपहर में मत करिए, क्योंकि दोपहर में ये पत्तियां सब जलने लगती हैं हम लोगों की। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है मेरा भी कहीं कहीं छूट गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूरी पर है ये मेरा गमला। तो ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ, कहीं कहीं मेरा भी छूट गया है। तो मैं अभी तो इसको शावरिंग कर दूँगी, फिर उसके बाद शाम के टाइम जो है इसमें फिर से स्प्रे कर दूँगी पेस्टिसाइड। तो दोस्तों, बाहर का केमिकल पेस्टिसाइड लाने से तो अच्छा है कि आप घर का ही इस्तेमाल करिए। और ये देखिए सब इसमें सूख चुके हैं, ज़्यादातर जो है इसमें सूख चुके हैं और सब झड़ गए हैं। अब जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, उसमें भी मैं आज शाम को फिर से कर दूँगी, ताकि बचे ना और इनकी संख्या बढ़े ना। देखिए, तो दोस्तों ये देखिए हमारा फायर बुश है, इसमें भी कल हमने छिड़काव किया था। और इसमें भी जो ग्रीन कलर के कीड़े लगे थे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये भी निरस्त हो चुके हैं, बिल्कुल निर्जीव हो चुके हैं, मर चुके हैं। बस एक बार और छिड़काव कर दूँगी, जो कहीं छूट गया है तो उसमें भी बचने ना पाए, इसलिए फिर से एक बार छिड़काव करूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको हाथ में लेकर दिखा भी रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ग्रीन ग्रीन से है। ये देखिए, ये सब दोस्तों देखिए, ये सब दोस्तों ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए, वरना जैसे ही हाथ में झाड़ते, अगर जिंदा होते तो ये चलना शुरू हो जाता। तो ये देखिए, तो दोस्तों आप भी जो है घरेलू पेस्टिसाइड तैयार करिए जैसे मैंने बताया है, तो उससे हमारे फ्लावर्स भी बचे रहेंगे, हमारे प्लांट्स भी रोग मुक्त रहेंगे, और जो है उससे हमारे नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे बर्ड्स आती है, ये महाशय जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको हटाना पड़ेगा नहीं तो गड्ढा कर देंगे। खैर, थोड़ी धूप, महाशय जी धूप की सिकाई कर रहे हैं, थोड़ी देर धूप की सिकाई कर लें, फिर उसके बाद ये भी अपने उड़ जाएंगे। तो इससे ये रहेगा कि नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और हमारे इंसेक्ट्स भी आएंगे, जैसे हमिंग बर्ड्स हैं, बर्ड्स वगैरह भी आएंगी, और इंसेक्ट्स में हनी भी है और लेडी बग है, ये सब लोग भी आते हैं, तो उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह जो है हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं चलते चलते।
ये देखिए रोज़ की कटिंग जो तैयार की थी बारिश के मौसम में, वो देखिए मेरी, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने ये कटिंग लगाई है, लगाई क्या है, कटिंग तैयार हो चुकी थी तो उसे रिपोर्ट किया है। यहाँ पर भी एक कटिंग मेरी तैयार हो रही है रोज़ की, बहुत सारी कटिंग्स इधर उधर लगा रखी है। सो थैंक यू, बाय बाय।